आइए आइए। हेलो मैम। हेलो मिस्टर सवान। मैम ये है मेरी, मैं सभी की मदर हूँ, सही सोची। प्लीज बैठिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सभी सही दोषी। ओ वाओ, आपने अपने नाम में अपनी आई का नाम भी रखा है, वेरी गुड। मैम हम इसी का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। सभी आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है, आपको क्या क्या आता है? मुझे तो सब कुछ आता है। मैम एक्चुअली सभी ना यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा खुश है, शायद इसे ज्यादा ना पता हो तो। नहीं नहीं, इट्स ओके मिस्टर सवान, बोलने दीजिए उसे। जी जी। सभी कम मेरे पास आओ, आपको कोई टॉय चाहिए तो ले लो। आपको एबीसीडी आती है? एबीसीडी मुझे तो सेंटेंस बनना भी आता है। एजुकेशन इज द बेस्ट पोस्ट। ओह वाओ, सो गुड। अच्छा आपको तो फिर टेबल्स भी आते होंगे? हाँ मुझे तो आती है। ओह तो बोलो 7 times 9। 63। वेरी गुड। ये तो बहुत इजी है, मुझे तो 20 तक टेबल्स आते हैं। तो ठीक है, बोलो 19 times 7। मैम 133। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ओके ओके मैम। अर्थ के जैसे सन के चारों तरफ कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व यानी घूमते रहते हैं? 9। नहीं नहीं 8। बड़ा, पहले सही कहा था, 9 होते हैं। नहीं पापा, पहले प्लैनेट्स 9 थे, अब 8 हो गए। Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus. Pluto? Pluto भूल गई ना बड़ा? अरे पापा, अब Pluto planet नहीं है, वो दादा bye bye हो गया। अब Pluto update नहीं रखते क्या? बड़ा I'm so sorry. Yes Mr. Chauhan. सभी बिल्कुल ठीक कह रही है, देयर आर 8 प्लैनेट्स ओनली। शाम सभी को स्कूल का टूर करवाओ। सभी आप बाहर वेट कीजिए, आपके मम्मी पापा से मुझे बात करनी है कुछ क्लिप में। जाओ बेटा। मानना पड़ेगा आपने अपने बच्ची को बेहद अच्छे से पाला है, और मैंने बहुत सारे होम स्कूल के बच्चे देखे हैं, लेकिन सभी स्पेशल है। आपने भी अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसने सिर्फ अपने क्लास की नहीं बल्कि बड़े क्लासेस के जवाब भी बहुत आसानी से दे दिए हैं। आप मेरी राय माने तो सभी को डायरेक्ट 3rd या 4th स्टैंडर्ड में डाल सकती है, बल्कि वो विनायक की क्लासमेट भी बन सकती है। अगर आप कह रही हैं तो हम वैसा ही करेंगे। सॉरी मैम, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा आप ये इसलिए कह रही हो ताकि वो शुरू से सब कुछ सीख पाए? नहीं मैम, मेरे कहने का मतलब है सभी इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी। मैम सही का वो मतलब नहीं था। मैं बात कर रही हूँ ना प्रिंसिपल मैम से। आप प्लीज बीच में टोकिए मत। मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने सभी की इतनी तारीफ करी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि सभी स्कूल में नहीं पढ़ेगी। एक्चुअली मैंने सभी का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया है। एक मिनट मैम। क्या कर रही हो तुम? कौन से स्कूल में तुमने सभी का एडमिशन करवाया, वो भी बिना मुझसे पूछे? अगर कहीं एडमिशन करा ही दिया है तो इस इंटरव्यू का क्या मतलब है?
मैम, मैं साबित करना चाहती थी कि मैंने सभी को जो कुछ भी घर पे पढ़ाया है वो सब बेकार नहीं है, और अब नागपुर के बेस्ट स्कूल की प्रिंसिपल ने सभी की इतनी तारीफ करी है उससे ये बात साबित होती है, बल्कि आपने तो उसे एक दो ग्रेड आगे से एडमिशन की बात कही है। थैंक यू सो मच मैम। जब आप खुद मानती है कि ये नागपुर का बेस्ट स्कूल है तो आप एडमिशन के लिए क्यों ना कर रही है? मैम, मैं एक मध्यम वर्ग की औरत हूँ और मेरी परवरिश भी मध्यम वर्ग के मूल्यों के साथ ही हुई है, और मैंने अपनी पढ़ाई एक साधारण स्कूल में करी थी, और शायद विराट और आपने भी अपनी पढ़ाई साधारण स्कूल में करी है, और हम तीनों ने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी वो भी साधारण स्कूल में पढ़े जिसकी फीस मैं खुद पे कर पाऊँ। सच कहूँ तो मैं इस स्कूल की फीस नहीं भर सकती। लेकिन फीस के लिए तो मिस्टर सवान है ना, आप उसका टेंशन क्यों ले रही हो? और आप चाइल्ड सपोर्ट तो लेती ही होंगी ना मिस्टर जोशी, और आपकी बच्ची काफी स्मार्ट है, उसकी उड़ान को मत रोकिए। नहीं मैम, मैं चाइल्ड सपोर्ट नहीं लेती, मैंने आज तक सभी की परवरिश अकेली ही करी है, मैंने अकेले उसे पाला है और आगे भी ऐसा ही करने का इरादा रखती हूँ। रही बात सभी की उड़ान की, तो मैंने अपनी बेटी को उड़ने के लिए खुला आसमान दिया है। अब आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? आपके वक्त और मेरी मेहनत को मान्यता देने के लिए शुक्रिया। I'm really very sorry. मैम, मुझे सच में नहीं पता था कि सई ने सभी का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा रखा है। देखिए मिस्टर चौहान, आप लोगों को पहले आपस में बात करनी चाहिए थी, उसके बाद हमारे पास आना चाहिए था। जी, आई नो, आई एम सॉरी वंस अगेन। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सही, एक मिनट, हो रहा था ना एडमिशन, तो क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी? और तुम बिना मुझसे बात किए सभी का नाम किसी भी स्कूल में कैसे लिखवा सकती हो? वैसे ही जैसे आपने मुझसे बगैर बात करे इतने बड़े स्कूल में सभी का एडमिशन कराने का फैसला कर लिया था। अच्छा, मैंने तो सिर्फ फैसला लिया था ना, तुमने क्या किया? सीधे जाकर किसी गए गुजरे स्कूल में सभी का एडमिशन करवा दिया। मैं सभी का भला बुरा अच्छे से जानती हूँ, आज तक सभी से जुड़े सारे फैसले मैं लेती आई हूँ, और आपने देख लिया मेरा कोई भी लिया हुआ फैसला गलत नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे मेरे हिसाब से चलने दीजिए। प्लीज बेकार की बातें मत करो, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। एग्जैक्टली विराट, मेरी भी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आइंदा से कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज मुझसे बात जरूर करिएगा। तुमने, अगर मेरा फैसला मानना ही नहीं था तो फिर यहाँ आने का नाटक क्यों किया? क्योंकि मैं आपको ये बात दिखाना चाहती थी कि मेरी सभी के लिए जो होम स्कूलिंग है वो मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी मेहनत है। मैं सभी को किसी बड़े स्कूल में इसलिए नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती सभी उस स्कूल से जब वापस आए तो मुझसे अलग अलग चीजों की या महंगी महंगी चीजों की मांग करे। वो अपनी जिंदगी का मापदंड किसी महंगी घड़ी या एक्सपेंसिव फोन से मापे। मैं नहीं चाहती कि सभी खुद को कम इसलिए समझे क्योंकि उसके पास वो चीजें नहीं है जो उसके दोस्तों के पास है। मैं चाहती हूँ सभी जब स्कूल से वापस आए और मुझसे बात करे तो वो ये बात करे कि कैसे उसने अपना टिफिन शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, या कैसे उसने किसी की मदद करी, या कैसे उसने बस में किसी को अपनी सीट दे दी बैठने के लिए। मैं चाहती हूँ वो स्कूल में शेयर करना सीखे अपनी भावनाएं, एडजस्ट करना सीखे, दूसरों की मदद करना सीखे। वो सीखे कि दो लोगों की बेंच पर तीन लोग भी बैठ सकते हैं, समझे इस बात को। देखो, शायद तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी लेकिन मुझे है, प्लीज मुझे मेरी बेटी का भविष्य बनाने दो। इस इंटरव्यू के बाद आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि मैं अपनी बेटी का भविष्य बना सकती हूँ या नहीं? विराट, इस इंटरव्यू के जरिए मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं अब तक आपका इंतजार नहीं कर रही थी,
कि आप आओगे तब मेरी बेटी का भविष्य बनेगा। मेरी बेटी के भविष्य के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, इसलिए प्लीज आइंदा से सभी से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले आप आज के दिन को याद रखिएगा। और सभी उसी स्कूल में जाएगी जिसको मैंने डिसाइड किया है वो जाएगी।